कैसे हो आप सब? नमस्ते, मैं हूँ अन्वेषा मुखर्जी। आप देख रहे हैं सिंपल टिप्स अन्वेषा। मुझे ना कुछ रिक्वेस्ट आए थे कि स्किन के लिए कोई डाइट बताओ, स्किन में क्या यूज करें कि स्किन ग्लोइंग बने। बहुत बड़ी टॉपिक है एंड एस मी जो बहुत स्किन की प्रॉब्लम से सफर करते हैं, द बेस्ट थिंग दैट मैंने किया है स्टेप नंबर वन की एक्सेप्ट करना है कि हम ह्यूमंस है, हम प्लास्टिक नहीं है। बहुत बार होगा कि हम सब कुछ सही करेंगे फिर भी कुछ गलत हो जाएगा विद स्किन, हेयर, बॉडी वेट वगैरह वगैरह। बहुत बार होगा कि हम शायद सही करना चाहते हैं पर एक्चुअली सही नहीं कर पा रहे। सो दिस इज ऑल नॉर्मल एंड दिस मेक्स अस ह्यूमन। सबसे पहले तो क्योंकि आजकल फिल्टर का जमाना है, बोटॉक्स फिलर्स का जमाना है, ग्लास स्किन का जमाना है। भूलिए मत, दाग होना, एक्ने होना, पिगमेंटेशन होना या बाल झड़ना, वेट ऊपर नीचे होना, ये नॉर्मल है, एक्चुअली ह्यूमंस के साथ होता है। दिस मेक्स अस ह्यूमंस एंड नॉट रोबोट्स। मुझे मैसेज लाउड एंड क्लियर देना चाहिए था क्योंकि बहुत लोग ना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ आप लोगों की या मैं दूसरे रील्स एंड वीडियोस देखती हूँ तो मुझे ये बहुत प्रॉब्लमेटिक लगता है। एक्ने मेक्स अस ह्यूमन, डार्क स्पॉट्स पिगमेंटेशन मेक्स अस ह्यूमन, ठीक है। तो चलिए विद दैट लेट्स स्टार्ट। मैं आपको बताऊंगी डाइट में क्या क्या इंक्लूड करना है, क्या क्या ओमिट करना है एंड कुछ स्किन केयर क्या क्या आप यूज कर सकते हो एंड में, वो भी मैं आपको बता दूंगी। आप इस डाइट को 30 डेज के लिए फॉलो करोगे अगर अभी आपको क्रॉनिक हॉर्मोनल एक्नी आ रही है, मतलब सिस्टिक एक्नी, चिन में, चीक्स पे, फोरहेड पे कॉन्स्टेंट एक्नी आ रही है ना आपके। सबसे पहले तो डर्मेट के पास जाना है, दवाई लेनी है। दवाई ले चुके हो, अब थोड़ा सा कम हो गया, दवाई जैसे ही बंद कर दिया फिर वापस आ गई है एक्नी। ऐसे लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली आपको पीसीओडी है, पीसीओएस है, या फिर आप प्री डायबिटिक कंडीशन में हो, हार्मोनल इम्बेलेंस है, या आपकी ऑयली स्किन है और आप बेसिक हाइजीन मेंटेन करते हो उसके बाद भी प्रॉब्लम है, और दवाई आप ले चुके हो डर्मेट के पास से उसके बाद भी प्रॉब्लम है। तो इसका मतलब गट इन्फ्लेम्ड है, बॉडी में इन्फ्लेमेशन है, हार्मोनल इम्बेलेंस है। तो हम डाइट का नंबर वन दैट वी आर गोइंग टू ओमिट फॉर द नेक्स्ट 30 डे इज डेयरी एंड एनी फॉर्म ऑफ डेयरी, मींस योर कर्ड, पनीर, दूध। बस 30 डेज के लिए डेयरी इज द नंबर वन थिंग यू आर गोइंग टू ओमिट। नंबर टू, रिफाइंड शुगर, व्हाइट शुगर, एनी काइंड ऑफ कुकीज, बिस्किट्स, केक्स, फ्रूट जूसेस। पॉइंट नंबर थ्री, हम ओमिट करेंगे एनी काइंड ऑफ फ्राइड जंक फूड, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। चिप्स का पैकेट, कोई फ्रेंच फ्राइज, आलू फ्राइज, स्वीट पोटेटो फ्राइज, नो फ्राइड फूड, एनी अदर ऑप्शंस वी आर गोइंग टू ओमिट इट फॉर द नेक्स्ट 30 डेज, ठीक है। बस ये तीन चीजों का ध्यान में रखना है। अब हमें इंक्लूड क्या करना है? एक लोगों को बहुत गलत फहमी आजकल मैं देखती हूँ, उनको लगता है कि स्किन के लिए सिर्फ प्रोटीन कंटेंट इंक्रीज कर दो स्किन ठीक हो जाती है। देयर आर मल्टीपल रिसर्च व्हिच सेज दैट स्किन को इम्प्रूव करने के लिए योर डाइट हैज टू बी रिच इन एंटीऑक्सीडेंट। इस टर्म को याद रखना है अगर स्किन को ग्लोइंग एंड इम्प्रूव करना है। तो प्रोटीन वगैरह आप अपने डाइट में नॉर्मल रखें क्योंकि बहुत ज्यादा प्रोटीन भी बहुत लोगों को गट इन्फ्लेमेशन देती है। तो योर डाइट शुड हैव मोर ग्रीन्स, ग्रीन वेजिटेबल्स, ऑल द होल फ्रूट्स, नॉट फ्रूट जूसेस। सो प्लीज हैव होल फ्रूट्स बिकॉज फाइबर की रिक्वायरमेंट है। नेक्स्ट थिंग दैट यू आर गोइंग टू इंक्लूड इज ग्रीन टी। ग्रीन टी इज ऑल्सो लोडेड विद एंटी ऑक्सीडेंट, सो ग्रीन टी इज अ ग्रेट एडिशन इफ यू वॉन्ट गुड स्किन। नेक्स्ट एडिशन, क्योंकि समर्स आ गया है, कोकोनट वाटर। नेक्स्ट थिंग आई विल से इज ओमेगा 3। पीपल हु ईट फिश, लाइक बंगालीज ईट फिश, राइट, ईस्ट इंडियंस ईट अ लॉट ऑफ फिश, अ लॉट ऑफ साउथ इंडियंस ईट फिश, सो प्लीज इंक्लूड फिश रिच इन ओमेगा 3। आप वेजिटेरियन है, फिश नहीं लेते, तो फ्लैक्स सीड, रोस्टेड फ्लैक्स सीड एक चम्मच आप डेली डाइट में ले लो। इसके साथ आपको क्या क्या सप्लीमेंट्स चाहिए वो मैं बता देती हूँ। विटामिन डी, B12 बहुत इंपॉर्टेंट है, आपकी बॉडी में आयरन सही होनी चाहिए। दीज आर बेसिक सप्लीमेंट दैट यू कैन टेक। बहुत लोग पूछेंगे कि तेल कौन सा यूज करें, यू कैन यूज मस्टर्ड ऑयल, सेसमी ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, एनी कोल्ड प्रेस ऑयल विल डू। आप अपने सारे दालें, सारे सब्जियां, एवरीथिंग यू कैन टेक, कैन ऑल्सो टेक चिकन एंड एग्स एंड ऑल। बट जब स्किन रिपेयरिंग जर्नी में हो ना, अभी 30 डेज के लिए, तो जो भी इन्फ्लेमेटरी है उसका क्वांटिटी बस कम रखना, विच मीन्स चिकन एंड एग्स भी अगर ले रहे हो तो उसका क्वांटिटी बस कम रखना इन द 30 डेज। सो दैट्स अबाउट द डाइट पार्ट। ऑलराइट जी, अब हम बताएंगे थोड़ा स्किन केयर प्रोडक्ट्स के बारे में, कौन से एक्टिव आपको यूज करना है अगर आपको एक्नी है, एक्नी स्पॉट्स है, पिगमेंटेशन है। देखो, आपको मिनिमम डार्क स्पॉट्स के लिए 3 to 6 months देना ही है, ओके। वंस यू कंट्रोल योर एक्नी देन ओनली यू कैन वर्क ऑन योर एक्नी स्पॉट्स एंड एग्जिस्टिंग डार्क स्पॉट्स।
biggest thing that you should definitely start, especially if you're above 30 or just turned 30, रात को double cleansing. ये एक बहुत बढ़िया टेक्निक है. अगर आप सुबह दिन में मेकअप भी नहीं करते, सनस्क्रीन तो लगाते हो ना, फिर भी उसको रिमूव करना बहुत जरूरी है. आप डबल क्लेंजिंग जरूर कीजिए, मतलब डबल क्लेंजिंग करेंगे, अच्छे से फेस को क्लीन करेंगे, तभी एक्टिव अंदर जाएगी, तभी वो काम करती है. ठीक है, अगर आपकी ड्राई स्किन है, आई विल हाईली रिकमेंड यू टू गो फॉर अ पेप्टाइड सीरम, स्पेशली इफ यू आर इन योर मिड 30s नाउ, लेट 30s, एनी पेप्टाइड सीरम, या फिर आप हाइलोनिक एसिड सीरम जो लॉरियल का है, मेरा फेवरेट है, गो फॉर दैट. ठीक है, ये ड्राई स्किन वाले डेफिनेटली करेंगे, नॉर्मल टू ड्राई स्किन. इफ यू हैव ऑयली स्किन, आप नियासिनामाइड यूज कर सकते हैं. ऑलराइट, लेट 20s स्टार्ट यूजिंग रेटिनॉल. अब जो मैच्योर स्किन है, ऑफकोर्स एवरीबडी नोज की ट्रेटिनॉइन 0.025% जो अवेलेबल है मार्केट में, दैट इज समथिंग यू कैन स्टार्ट. बट द प्रॉब्लम विद दैट इज वो बहुत लोगों को इरिटेशन करती है, और जिनका स्किन अभी एक्नी प्रोन है या एक्नी ऑलरेडी है, इरिटेटेड है, वो उसको और भी इन्फ्लेम एंड ट्रिगर करेगा. सो यहाँ पर मैं आपको डालूंगी रेटिनो माइक्रो, एक आता है बहुत ही लो कॉन्सेंट्रेशन फार्मेसी का, आप उससे स्टार्ट कर सकते हैं अगर आपको ट्रेटिनॉइन सूट नहीं कर रहा है. इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा, एक से दो लेयरिंग ऑफ एक्टिव से ज्यादा कभी मत जाना. एंड इफ यू आर बिगिनर विद रेटिनॉल, रेटिनॉइन या रेटिनॉल ए माइक्रो रेटिनॉल स्टार्ट कर रहे हो, तो once or twice a week से start करोगे and gradually build up, and then of course you end the night time routine with a nice moisturizer. अब सुबह की बात करते हैं, ये मैंने PM का बताया. मॉर्निंग में जो एक्टिव आप यूज कर सकते हैं आफ्टर वॉशिंग योर फेस, एक फेस वॉश के बाद आप यूज कर सकते हैं विटामिन सी, एक एंटी ऑक्सीडेंट है. अगेन यू कैन ऑल्सो यूज योर नियासिनामाइड. उसके बाद वन एक्टिव दैट हैज रियली वर्क फॉर मी हैज बीन एजीडर्म, एजिलिक एसिड. तो एजिडम 10% क्रीम, एजिडम 10% जेल इज वेरी गुड. अगर एग्जिस्टिंग एक्नी है तो उसको ट्रीट करने के लिए बहुत अच्छा है. रेटिनॉल्स आर नॉट प्रेगनेंसी सेफ, एजिडम एजिलिक एसिड इज प्रेगनेंसी सेफ एंड बहुत ही सस्ते में फार्मेसी में आपको मिल जाती है. जो भी प्रोडक्ट्स मैं बोल रही हूँ, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स दे दूंगी, आप चेकआउट कर सकते हैं. एंड फाइनली यू आर गोइंग टू सील इट ऑफ विद अ सनस्क्रीन. Sometimes I use a moisturizer and then sunscreen, but mostly I'll use a sunscreen only these days because itna layering already ho gaya hai, mujhe zarurat nahi hoti hai, so I go directly with a sunscreen because sunscreen may be moisturizer hai guys, let's use our common sense, okay? Requil has a very good sunscreen, Dermacose ka sunscreen bahut acha hai, Suncoat gel, Dotton ki has come up with a very good sunscreen. So bahut sare brands hai jo aapko suit karta hai, aap isko use kar lijiye. SPF 50+. So this is mota mota what we are going to follow with 3 liters of water, good sleep, good exercise routine, and you're going to do great. And नीचे कोई भी question वगैरह हो तो आप मुझे जरूर comment कर दीजिए. तो मैंने आपको अपना honest skin care routine and honest skin glowing diet भी बता दिया. Genuinely religiously इन tips को follow करें. 3 महीने 6 महीने बाद वापस आके नीचे comment करें. Trust the process. Give yourself 6 months and you see the difference. Okay? Bye!